तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवलिंग इफेक्ट से, ठीक है। तो पहले राइट डाउन कर लेना, वाटर एक्ट एज ए, इसको हम लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, वाटर एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज इट हैज ए ग्रेटर, इट हैज ए ग्रेटर टेंडेंसी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। HCl प्लस वाटर, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, H2SO4 प्लस वाटर, HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस, दस ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन एपीआर, एपीआर इक्वली, इक्वली स्ट्रॉन्ग, इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिडिक लेवल, एसिडिक लेवल ऑफ ऑल एसिड आर सेम, दस इट इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट ऑफ, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, दस द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन कैनॉट कंपेयर व्हेन एसिटिक एसिड When acetic acid is used as a solvent instead of water, instead of water, it found that acetic, it found that
एसिडिक, स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड लोअर एंड नाउ दी गिवेन एसिड इन एसिटिक एसिड बिकम वीक and thereby different acid नीचे वाला नहीं दिख रहा है किसको, नीचे वाला देख के क्या करोगे, अब दिख रहा है सिया, तो इसको ध्यान देना, अभी आगे लिखना बाकी है। वाटर लेवलिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं वाटर का, बहुत गर्मी हो रही है। देखो क्या बोल रहा है, वाटर एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, पहले ध्यान से समझ लो इसके बाद लिखना। वाटर एक्ट एज, ऐसे तो वाटर हम जानते हैं एम्फोटेरिक होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है बिकॉज इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन मतलब एच प्लस फ्रॉम एसिड, यानी वाटर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है कि वो एच प्लस को गेन कर लेता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाएगा क्योंकि ब्रॉन्स्टेड बेस यही बोलता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा गया, दो एग्जाम्पल, HCl और वाटर, तो वाटर ने इस H प्लस को बहुत जल्दी से गेन कर लिया है, H2SO4 प्लस वाटर, यहां पर वाटर ने इसको गेन कर लिया है, तो वाटर एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर बोला जाता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी होता है H प्लस को गेन करने के लिए, H प्लस को बहुत गेन करता है जल्दी से। अब गेन करने के बाद कहानी क्या होगी इसकी, दस ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम पानी में मिलाते हैं, चाहे H2SO4 हो चाहे HCl है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, एपीएस इक्वल स्ट्रॉन्ग, जब हम दोनों को पानी में मिलाते हैं तो वाटर के पास टेंडेंसी इक्वल होता है इस हाइड्रोजन को गेन करने के लिए, तो इस वजह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड इस दोनों में कौन है ये हम पानी में डिसाइड कर ही नहीं पाते कि स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, इसको हम पानी वाटर के अंदर हम मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन एपियर इक्वल स्ट्रॉन्ग, ये जितना अपना जल्दी H प्लस लूज करेगा ये भी उतना ही जल्दी अपना H प्लस लूज कर देगा, इस वजह से क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन H प्लस एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी एक जैसा है। एसिडिक लेवल ऑफ ऑल एसिड आर सेम, यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो उनका एसिडिक लेवल यानी कितना एसिडिक है, यानी लेबलिंग किया जाता है लैब में, इसलिए नाम भी पड़ा लेबलिंग इफेक्ट, तो जो लेबल किया जाता है कि ये इतना एसिडिक है, ये इससे ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, तो सारे एसिडिक का जो लेबल होता है वो सेम होता है वाटर के वजह से, क्योंकि इसका ग्रेटर टेंडेंसी होता है H प्लस को गेन करने के लिए। दस इट इज कॉल्ड लेबलिंग इफेक्ट, और इसी को हम लेबलिंग इफेक्ट बोलते हैं, यानी वाटर में अगर एसिड को डाला जाए स्ट्रॉन्ग एसिड को तो ये बता पाना मुश्किल होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, इसका रीजन ये है कि वाटर जो है H प्लस को गेन करने में दोनों एक जैसा उतना ही स्पीड में गेन कर लेता है,
यानी इसका टेंडेंसी दोनों ही केस में सेम रहेगा, इसलिए जो एसिड का और बेस का लेबलिंग देखा जाता है कौन ज्यादा एसिड है कौन कम एसिड है, लेबलिंग एक जैसा दिखेगा, यानी ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन एपीएस इक्वल स्ट्रॉन्ग इक्वल स्ट्रेंथ, कोई भी एसिड डाल दो पानी में एक उसका लेबलिंग एक जैसा दिखाता है, एसिडिक लेवल ऑफ ऑल एसिड आर सेम, कोई भी एसिड डालो स्ट्रॉन्ग डाल दो कितना भी तो उसका एसिडिक लेवल एक जैसा होता है, दस इट इज कॉल्ड लेबलिंग इफेक्ट, उसी को हम लेबलिंग इफेक्ट बोलते ऑफ वाटर, लेबलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। दस द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन कैनॉट बी कंपेयर, और ये लेबलिंग इफेक्ट एक जैसा होने की वजह से हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ संस्कृति सर लेबलिंग इफेक्ट इज अफेक्ट एसिडिटी ऑफ नहीं नहीं वो इफेक्ट नहीं डालता है। लेबलिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, लेबलिंग इफेक्ट सिंपल सा एक टर्म है, लेबलिंग इफेक्ट का मतलब क्या, देखो ऐसे तुम्हें बोल दिया गया डेली लाइफ में समझो, तुम्हें एक कंटेनर एक दे दिया गया बीकर में सीएल और एक बीकर में दे दिया गया एचटी सपोर्ट, तुमसे बोला गया कि लो ये लैब में गए और लैब में मान लो बीकर में लेबल किया गया है कि ये एसिडिक बताएगा ये ज्यादा है और ये कम है, मान लो टेक्निकल है, तो तुमने क्या किए एचसीएल को और एचटी सपोर्ट को पानी में मिला दिए और उस बीकर में लेके गए लेबलिंग किए कि किसका एसिडिक ज्यादा है, मतलब सोच लो पीएच स्केल के जैसा है तो उस पर देखे कि दोनों का लेबलिंग एक जैसा आ रहा है, तो तुम्हें इस बात को डिफिकल्टी होने लग जाएगी कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम बेसिक है, तो इस वाटर में उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं लेबलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। तो ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन एपियर इक्वल स्ट्रॉन्ग, यानी कोई भी एसिड डाल दो उनका वाटर में डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है, एसिडिक लेवल ऑफ ऑल एसिडिक आर सेम, कोई भी एसिड डालोगे उनका लेबलिंग एक जैसा रहेगा, इट इज कॉल्ड लेबलिंग इफेक्ट, एक जैसा दिखाएगा उसी को लेबलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। दस द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सॉल्यूशन कैनॉट बी कंपेयर, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को वाटर में कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका लेवल एक जैसा आता है, तो हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं, जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं हम उसमें इसी को बोलते हैं कि लेबलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। यानी यहां से यहां तक हमने अभी तक क्या देखा, तो यहां से यहां तक हमें समझ में ये आया कि पानी में कुछ भी डालो और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना मुश्किल है, यानी पानी के अंदर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, दैट इज नोन एज लेबलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, एक जैसा लेबल आएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे फिर, आखिर हमें कैसे करना होगा लेबलिंग, अगर हमें एसिडिक ज्यादा है कि कम है उसको हमें जानना है तो कैसे करेंगे, तो हम एक बात तो है कि वाटर में नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधा बात है क्योंकि उसका लेवल एक जैसा आता है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करने का तरीका, व्हेन एसिटिक एसिड इज यूज्ड, यानी पानी के जगह पे अब तुम एसिटिक एसिड ले लो, व्हेन एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन स्टीड ऑफ वाटर, यानी पानी के बदले तुम एसिटिक एसिड लो तो क्या हमें मिलेगा, द इट फाउंड दैट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड लोअर एंड नाउ गिवन एसिड इन एसिटिक एसिड बिकम वीकर एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट एसिड, कह रहा है कि अगर हम पानी के बदले एसिटिक एसिड लेंगे तो एसिटिक एसिड क्या है, ये अपने आप में एक बहुत वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है ये, ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक से क्या होगा वीक ही होता है, तो अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं तो वहां पर हमें उनको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है, यानी इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन स्टीड ऑफ वाटर, इट फाउंड दैट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज लोअर, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाएगा उससे एसिटिक एसिड का जो स्ट्रेंथ है कम होता है, नाउ द गिवन एसिड इन एसिटिक एसिड यानी जो भी एसिड होगा एसिटिक एसिड में बिकम वीकर, ये वीक होगा देयरफॉर डिफरेंशिएट एसिड, अभी आगे लिखना बाकी है, इसलिए वहां पर उसको हम वहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, यानी वाटर के बदले अगर हम एसिटिक एसिड लेंगे तो हम एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, कैसे,
यहां से लिख रहा हूं मैं देयर फोर देयर बाई, ये लाइन तुम मत लिखना मैं लेकिन लिख रहा हूं, देयर बाई डिफरेंट एसिड they are by different acid will be dissociated to different extent in acetic acid. Thus, it become this is because of poor proton accepting character of acetic acid. और इस तरह से हम डिसाइड कर पाते हैं HClO4 देन HI देन HBr देन H2SO4 देन HCl देन HNO3 देन H3O+ देन HSO4- देन H3PO4 देन HF देन CH3C OH देन H2CO3 then H2S then NH4+ then HCN. तो इसके आगे वाला लाइन क्या बोल रहा है, देयर बाई डिफरेंट एसिड विल बी डिसोसिएट इन डिफरेंट एक्सटेंट. अगर हम सॉल्वेंट के तौर पर एक एसिटिक एसिड लेते हैं, अब ध्यान से सुनना, यहां पर मान लो हमने सॉल्वेंट के तौर पर एसिटिक एसिड लिया और इससे स्ट्रॉन्ग एसिड हमने डाल दिया, यहां पर हमने CH3COOH को हमने लिया और यहां पर ये हमने H2SO4 डाल दिया, कभी ऊपर नहीं दिख रहा है कभी नीचे नहीं दिख रहा है. अरे ध्यान से समझना, एसिटिक एसिड को हमने लिया और उसके अंदर हमने एसिड को डाल दिया. अब ध्यान देना कि अगर तुम एसिटिक एसिड लेते हो, समझे क्या, और उसमें तुम अगर HCl को डाल दोगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो ये इसके एच प्लस को गेन करने लगेगा, ये एच प्लस को गेन करने लगेगा, तो इसके सामने ये बेस की तरह ट्रीट करने लगेगा. ध्यान देना इस बात को. यानी कुल मिला के ये है कि जब हम एसिटिक एसिड में HCl को डालेंगे और एसिटिक एसिड में H2SO4 को डालेंगे, तो ये डिफरेंट एक्सटेंट में अलग अलग डिसोसिएट होते हैं, तो हमें लेबलिंग के बारे में मालूम चल जाता है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है. ठीक है, क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या है, एक वीक एसिड है, तो इनको डिफरेंट एक्सटेंट में डिसोसिएट करता है, और डिसोसिएट से ही तो मालूम चलता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, कितना वो टूटा पानी में जाके उसी से तो मालूम चलेगा.
हम तो ये जानते हैं कि 100% डिसोसिएट होता है, लेकिन उसमें भी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो वीक एसिड में अगर लेंगे तो HCl को और H2SO4 को, तो इनको वीक एसिड के अंदर यानी एसिटिक एसिड के अंदर ये जो होता है वो डिफरेंट एक्सटेंट में टूटते हैं। तो जब डिफरेंट एक्सटेंट में जब टूटेंगे तो H प्लस अलग अलग मिलेगा, और जब H प्लस अलग अलग मिलेगा तो हमें इससे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में मालूम चल जाएगा, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। इस तरह से डिसोसिएट टू डिफरेंट एक्सटेंट इन एसिटिक, दिस इज बिकॉज पुअर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग। अब यहां पर ये जो एसिटिक एसिड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग के आगे अपने आप को ये H प्लस को गेन कराने लगेगा, इसके द्वारा दिया गया H प्लस ये गेन करने लगेगा, और इस केस में वाटर के जैसा नहीं है कि इक्वल अमाउंट में गेन करेगा, मतलब एक जैसा सबका गेन करेगा, इसको गेन करने का अब टेंडेंसी अलग अलग होगा। इस H2SO4 से गेन अलग तरीके से करेगा और HCl से गेन अलग तरीके से करेगा, इसलिए लेवल के बारे में मालूम चल जाता है कि ये एसिडिक किस लेवल पर है, ये एसिडिक किस लेवल पर है, ये एसिडिक किस लेवल पर है। तो हम उससे आसानी से पता कर पाते हैं कि कौन एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है और किसका कम है, इस तरह से पता करके यहां लिखा गया है कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रांग है। Why does it escape in differential? ये वीक है ना, वीक की वजह से ऐसा हो रहा है। वाटर क्या करता था, इक्वल एक्सटेंट में उसको H प्लस को गेन करता था, ये वीक होने की वजह से ये इसके द्वारा दिया गया H प्लस को अलग अलग एक्सटेंट में इसको डिसोसिएट भी करके और H प्लस को गेन कर रहा है। डिफरेंट एसिड विल बी डिसोसिएट टू डिफरेंट एक्सटेंट इन एसिटिक एसिड, यानी ये एसिड और ये एसिड को जब एसिटिक एसिड में जाएगा तो इनको टूटने का यानी डिसोसिएट होने का एक्सटेंट भी अलग अलग होगा। ये कुछ ज्यादा टूटेगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा टूटेगा, जो कम एसिडिक होगा कम टूटेगा, कम टूटेगा तो ये जल्दी से H प्लस को नहीं गेन कर पाएगा, ज्यादा टूटेगा तो जल्दी से गेन कर पाएगा, तो उसका लेवलिंग ज्यादा होगा, इसका लेवलिंग कम होगा। दूसरा वीक एसिड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पे क्या होता है मेजरमेंट थोड़ा सही आता है, ऐसा नहीं कि हम दूसरा नहीं ले सकते। बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेंजोइक एसिड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक में बेंजोइक एसिड ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ, या मैं ऐसे लिख दू COOH, ये है बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड बना के इसको लिखू थोड़ा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, और एसिटिक एसिड होता है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये वाला। अब इसमें हमें अगर चेक करना है कि कौन एसिडिक ज्यादा है तो देखो यहां माइनस माइनस लगा दो, यहां यहां रिजोनेंस हो रहा है, यहां रिजोनेंस हो, लेकिन यहां कुछ ज्यादा रिजोनेंस हो रहा है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, इसीलिए बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन यानी C6H5 COOH इज मोर एसिडिक देन CH3COH। ये ऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है, तो इसलिए सब चीजों का मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनिक में आएगा। फॉर्मिक एसिड इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा लेकिन इससे ज्यादा होगा। फॉर्मिक एसिड होता है ऐसे, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, ये मोर एसिडिक है। अब इसका लॉजिक क्या है ऑर्गेनिक में बताएंगे, इनसे ज्यादा एसिडिक होता है और इससे कम होगा, बेंजोइक से कम होगा और इससे ज्यादा होगा, यानी मिडिल में आ जाएगा। अब लॉजिक वगैरह सब बाद में देंगे, ये लेबलिंग इफेक्ट क्लियर हो गया सबको। वीक एसिड का लेबलिंग कैसे करेंगे, वीक एसिड का तो और वीक लेना पड़ेगा, ठीक है, वीक एसिड का लेबलिंग अब इतना ही, बस ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बस इतना जानो। हाँ, तो कल का एक क्वेश्चन था 8 नंबर को पढ़ो, वॉल्यूम का एक क्वेश्चन है 8 नंबर,
उन लेबलिंग इफेक्ट का इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है उसके ऊपर, ज्यादा इसमें नहीं है तो ज्यादा इसको बारे में सोचना भी नहीं है, ज्यादा इसमें कोई कोई तो पढ़ाता भी नहीं है। क्लियर हो गया? एक नंबर मीका, कल तुम्हारा ही डाउट था ना। Which of the following is used as a differentiating solvent for acid? यानी एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए किस से सॉल्वेंट को यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड को। चलो हम आगे बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट के बारे में, ठीक है। वीक एसिड के लिए एच ए के लिए हमने लिखा था के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और के बी इक्वल टू हमने लिखा था सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या लिखा था, सी अल्फा, और कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस क्या लिखा था, सी अल्फा। अब मुझे ये बताओ कि जो ये के ए है और के बी है, क्या कंसंट्रेशन चेंज करने से के ए और के बी इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लो इसमें, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, जो कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें लिख लेना डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए एंड के बी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। अब अल्फा के बारे में सोचते हैं, तो मुझे ये बताओ अल्फा जो है, अल्फा किसके किस पे डिपेंड करेगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हेडिंग डाल लेना फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। अच्छा मुझे ये बताओ कि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों वर्ड तो ऐसे नॉर्मल हम बोलते हैं कि सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ना, कि फैक्टर डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा, जो डिफरेंस होगा तभी तो दो वर्ड आ रहा है, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। कोई बताओ क्या है दोनों में डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो इसमें डिफरेंस होगा तभी ये नाम आ रहा है। आयंस डिसोसिएट होते हैं और आयोनाइज प्रगति नायक। देखो जब आयनिक, आयनिक कंपाउंड है, जब आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट यानी ब्रेक होते हैं, जब आयनिक कंपाउंड ब्रेक होते हैं जैसे NaCl, तो उसको हम डिसोसिएशन का नाम देते हैं। और जब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, जब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड डिसोसिएट होते हैं या ब्रेक होते हैं, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। बस एक सिंपल सा टर्म, क्या लिखे भेजिए संस्कृति, डिसोसिएशन इज ओनली ब्रेक डाउन बट एसोसिएशन फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो डिसोसिएशन जो होता है आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, ये वर्ड है, और जब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है उसके लिए हम आयोनाइजेशन यूज करते हैं। बस सिंपल सा यही है और कुछ इसमें ज्यादा विशेष बात नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मीनिंग बता दो कि अल्फा का मतलब क्या होता है, क्योंकि तुम लोग आयनिक केमिकल में तो पढ़े होगे अल्फा, तो
अल्फा का इसे रियल मीनिंग क्या हुआ, अल्फा का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि केमिकल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सुतार है, लिख के भेज रहे हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, प्रगति नायक एक मोल में कितना डिसोसिएट होगा और बाकी बताओ मुझे मीनिंग से मतलब है, मीनिंग क्या है, क्योंकि जब मीनिंग जानेंगे अल्फा के बारे में तभी तो हम कुछ आगे जानेंगे। अच्छा तुम्हें अल्फा के बारे में सॉल्यूशन में भी बताया गया होगा, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ, देखो अल्फा का मतलब होता है, पहले मीनिंग जानेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। अल्फा का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम क्लास में 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें तीन केस हो सकता है कि 50 स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं तो 50 का 50 पास हो जाए नीट में, दूसरा केस हो सकता है कि 50 में से एक भी पास ना हो, और तीसरा केस हो सकता है कि एक से लेके 49 तक पास हो, यानी 2, 4, 8, 10, 5, 15, 20, 25, 30, यानी ऐसा नहीं कि एक भी नहीं हो और ऐसा नहीं पूरा का पूरा पास हो, यानी इन बिटवीन हो। तो हम कितने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे और कितना पास हुआ, कितने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे कितना पास हुआ, कितने को पढ़ा रहे थे कितना पास हुआ, तो हम जितने को पढ़ा रहे थे उतना पास हो गया, इसका मतलब हमारा रिजल्ट 100% है, यानी वो कंप्लीट डिसोसिएट है, यही स्ट्रांग होता है, यही होता है स्ट्रांग, स्ट्रांग डिसोसिएशन जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग बेस है, जितने मॉलिक्यूल्स लिया गया है उतना का उतना वो डिसोसिएट हो गया है, टोटल पार्ट उसका डिसोसिएट हो गया, एक भी नहीं बचा है। अगर तुम 5 मोल लिए हो तो 5 का 5 को पानी में जाके डिसोसिएट हो गया है, इसका मतलब होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट या वीक भी नहीं बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, यानी ये एक भी ब्रेक नहीं होता। जैसे तुम पढ़े सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव में सुगर यूरिया ग्लूकोज ये पानी में केवल जाते हैं और डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं है, ये करंट भी फ्लो नहीं करवाएंगे, और ये है पार्शियल डिसोसिएशन, यानी पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि कुछ टूटा है और कुछ उसमें डिजोल्व होकर रह गया है, यानी कुछ पार्ट टूट गया और कुछ पार्ट डिसोसिएट हुआ है, यानी कंप्लीट ब्रेकिंग नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं कि एक भी नहीं टूटा है और ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा टूट गया है, इसको हम बोलेंगे पार्शियल डिसोसिएशन, जिसमें आएगा वीक एसिड और वीक बेस, कुछ टूट गया है कुछ नहीं टूटा है। तो वही अल्फा ये बताता है कि कौन कितना टूट गया है, यानी टूटने के बारे में हमें नॉलेज देता है। तो अल्फा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल किसका, जिसका हम लेंगे, जिस सॉल्यूट को हम मिला रहे हैं। जैसे मान लो हमने 5 मोल या 50 मोल HCl को मिलाया, तो 50 में से वो कितना टूटा, तो ये हम कितना स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वो वाला है, और कितना स्टूडेंट पास हुए, यानी नंबर ऑफ डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल, यानी कितना पार्टिकल डिसोसिएट हुआ, यानी कितना पास हुआ, यानी ब्रेक होने को हम बोलेंगे पास हो गया। तो ये होता है अल्फा, कि हम कितने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और कितना स्टूडेंट पास हो रहा है, हो सकता है कि कंप्लीट जितना डाले उतना टूट जाए, 100% स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन, एक भी ना हो वीक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और ज्यादा हम तो यहां पर बात ये करने वाले हैं पार्शियल डिसोसिएशन, यानी कुछ ब्रेक हुआ भी और कुछ ब्रेक नहीं हुआ, यानी पार्शियल में कुछ स्टूडेंट पास भी हुए कुछ नहीं भी पास हुए, तो इसलिए तीन कंडीशन हो जाता है कि कंप्लीट पास हुआ, एक भी पास नहीं हुआ और इन बिटवीन पास हुआ, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, तो ज्यादा केस ये इन बिटवीन वाला आएगा। तो इसी को बोलते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कि हम कितने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे और कितना पास हुए,
और इसी पे यहाँ अल्फा जीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ अल्फा वन हो जाएगा, यानी 100% यहाँ अल्फा जीरो होगा और यहाँ अल्फा जीरो से ज्यादा होगा और वन से कम होगा। यहाँ अल्फा वन होगा, यहाँ अल्फा जीरो होगा और यहाँ अल्फा जीरो से ज्यादा होगा। ऐसा भी नहीं कि एक भी नहीं पास हुआ है और ऐसा भी नहीं कि कंप्लीट पास हुआ है। तो अल्फा इन बिटवीन जीरो टू वन, और इसी के लिए तुम भैंटा फैक्टर बार बार निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, और इसी के लिए तुम भैंटा फैक्टर निकालने के साथ साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम ऐसे लिखते थे, अगर मान लो एच ए है और ये ब्रेक हो गया एच प्लस में और ए माइनस में, तो तुम ऐसे लिखते सी और तुम यहां लिखते थे जीरो जीरो, तो यहां लिखते थे टी इक्वल टू जीरो पर सी माइनस सी अल्फा लिखते थे। अब सोचो अल्फा क्या है, अल्फा केवल इंडिकेट कर रहा है कि कितना पार्ट स्टूडेंट पास हुआ। जैसे हमने बोला कि हमने 50 स्टूडेंट पढ़ाया और 25 पास हुए, यानी एक वन बाई टू पास हुए, तो वन बाई टू हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट 50% है, यानी 1/2 पास हो रहा है। तो हमारे पास अगर 500 बच्चे हैं तो कितने पास होंगे, तो 250 पास होंगे। तो इसीलिए यहां पर सी से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि अल्फा केवल नंबर को बताता है। तो जब हम 500 में और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो समझ में आएगा कि हाँ 250 स्टूडेंट पास हुए। इसीलिए यहां पर सी माइनस सी अल्फा लिखा जाता है, और यहाँ एक टूटता है तो एक बनता है, तो सी अल्फा और सी अल्फा लिखा जाता है। तो मैं इसलिए बता दिया कि ये सब कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, और पहले से अगर जानते हो तो बहुत बेटर है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा अल्फा के बारे में डिस्कस किया, अल्फा से भैंटा फैक्टर भी निकालते हैं और अल्फा से हम आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में हम यहाँ पर उसका यूज भी करते हैं। तो अल्फा एक इन्फॉर्म करता है कि कितना परसेंट पास स्टूडेंट हुए, या तो जैसे हमने बोला कि 75% हमारा पासिंग है, यानी 100 में 75 पास है, यानी टोटल स्टूडेंट 100 टोटल नहीं, मतलब 100 में से 75 पास है, वो इन्फॉर्म कर रहा है। लेकिन हमारे पास अगर 1000 बच्चे हैं, उसमें हमें मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट की संख्या निकालना पड़ेगा। अब मुझे ये बताना है कि अल्फा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, यानी अगर पानी के अंदर मान लो कोई पार्शियल ब्रेक हुआ है, जैसे मान लो हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि एक भी नहीं पास हो और ऐसा भी नहीं कि पूरा पास हो गए, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो स्टूडेंट की नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पास हो जाएंगे। तो कोई ऐसा एक नंबर होगा, सॉरी कुछ ऐसा फैक्टर होंगे जिससे हमें बता सके कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पास हो जाए, तो कौन सा फैक्टर है। तो हम अगर क्लास में पढ़ा रहे तो अच्छे से पढ़ाए, एमसीक्यू लगवाए, एग्जाम ले, वो सब फैक्टर है। तो मुझे ये बताओ कि अगर पानी के अंदर अगर मान लो कोई ऐसा वीक एसिड डाल दिया गया, चलो मान लो CH3COOH इसका 5 मोल डाल दिया गया, 5 मोल इसका पानी के अंदर डाल दिया गया, ठीक है, ये 5 मोल पानी के अंदर ये डाल दिया गया, ठीक है। अब ये गया पानी के अंदर और इनमें 1 2 3 4 5 5 मोल डाल दिया गया, 5 में से 2 टूट गए और 3 ऐसे पड़ा हुआ है पानी के अंदर, 3 ऐसे पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं और तुम भी चाहते हो कि ये टूट जाए, ये तोड़े हम, यानी हम इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये भी टूटे, तो तुम क्या करोगे कि वो भी टूट जाए। वॉल्यूम को क्या करेंगे, प्रगति का आंसर सही है, वॉल्यूम को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। कैसे मालूम चला, ध्यान देना, के ए इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है, कल पढ़ाया था। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर के ए अपॉन सी। हम यहां पर ये देख रहे हैं कि अब ये सब स्क्वायर डाइल्यूट लॉ में हम पढ़ा रहे हैं, हम यहां पर ये देख रहे हैं कि अल्फा में और कंसंट्रेशन में अंडर रूट का रिलेशन है, ये अल्फा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें ज्यादा से ज्यादा तोड़ना होगा तो कंसंट्रेशन को कम करना होगा, कंसंट्रेशन को कम करेंगे तब ये अल्फा बढ़ेगा, यानी कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना ही अल्फा बढ़ता जाएगा।
तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, मोलारिटी, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलारिटी होता है। तो अगर इसको कम करना है तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा, यानी जो नहीं टूटने वाला है वो भी टूटता चला जाएगा। इसका मतलब अब हम फाइनल कंक्लूजन पे सब हटा दे रहा हूं मैं, अब अपने टू डी पॉइंट पे आते हैं। ये सब मैं तुम्हें थोड़ा सा मीनिंग वगैरह समझा दिया कि अल्फा का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और अल्फा को हमें ज्यादा से ज्यादा तोड़ना है तो हम क्या करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आयंस ब्रेक हो जाएंगे, यानी ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन यानी पानी मिलाने को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। तो पानी में जो नहीं भी ब्रेक होगा वो भी ब्रेक होने लगेगा। सेकेंड फैक्टर बताओ जिससे अल्फा पानी के अंदर ओ डिसोसिएट ज्यादा हो जाए, सेकेंड फैक्टर बताओ। केवल अल्फा बोलेंगे, टेम्परेचर नहीं बोलेंगे? अगर मान लो हम बोलते हैं टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो जो नहीं भी टूटने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा। बिल्कुल सही है इसका, ये साक्षी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो नहीं भी पार्ट टूटा है वो टूटने लगेगा। तीसरा और बताओ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी मान लो हमने कई बार तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बात किया है कि पोलर में पोलर डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर, अगर पोलर में नॉन पोलर डाल दोगे तो उसमें जल्दी डिजोल्व भी नहीं होगा, तो उसको ज्यादा ज्यादा ब्रेक करना है तो लाइक डिजोल्व लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। और बताओ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी जिस सॉल्यूट को हम मिला रहे हैं वो कैसा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक है कि स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग है तो उसमें अल्फा ज्यादा होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिफ्थ पॉइंट है कॉमन आयन इफेक्ट। तो हमारा मेन पार्ट यही पढ़ना है। तो मुझे ये बताओ, ये तो समझ में आ गया पहला, ये तो तीन तो हम नॉर्मली जानते ही हैं, और ये डाइल्यूट ओस्वाल्ड डाइल्यूट लॉ बता रहा, मुझे ये बताओ कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा घटेगा या बढ़ेगा। नेहा चौगुल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसके बाद पढ़ेंगे ना। कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा बढ़ेगा या घटेगा, नया प्रगति केटलिस्ट यहाँ क्या काम है, केटलिस्ट तोड़ने का काम करता है क्या, केटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, केटलिस्ट से अल्फा थोड़े ना बढ़ता है, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा बढ़ेगा या घटेगा, तो आंसर है घटेगा। देख लो कैसे, अब इसके बारे में एक लेक्चर हम अलग से लेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पे हम आएंगे कॉमन आयन इफेक्ट पे, लेकिन लॉजिकल समझ लो। यहाँ पे मान लो हमने पानी के अंदर NaCl को डिजोल्व किया, एक लीटर पानी है, मान लो ये वाटर है, वाटर के अंदर हमने NaCl को डिजोल्व किया, ठीक है, और हम इसी NaCl को एक पहले से हम सोल्यूशन बना के रखे हैं KCl का हम सोल्यूशन पहले से बना के रखे हैं। अब इस NaCl को इसके अंदर डिजोल्व करवाया हमने, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है NaCl इसमें ज्यादा डिजोल्व होगा, इसमें कम डिजोल्व होगा। उसका रीजन समझो क्या है, जब NaCl को पानी में डालेंगे
तो ये Na+ में और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, और ये पहले से Cl यहां पड़ा हुआ है, तो इसके पास भी Cl है और इसके पास भी Cl है, इसी को बोला गया कॉमन आयन है। अब ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहा है, इसीलिए ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा अगर कर रहा है तो लीच टेबल क्या बोलता है कि अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होने लग जाए तो रिएक्शन किधर भागने लगेगा, बैकवर्ड, यानी जितना डिजोल्व होना था उतना डिजोल्व नहीं हो पाएगा, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया, इस वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, यानी कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा घटता है, अल्फा विल बी डिक्रीज। इसके बारे में हम प्रेशर कैन नॉट बी इफेक्ट, क्योंकि प्रेशर यहां पर गैसियस कौन है, प्रेशर यहां पर गैसियस स्टेट नहीं है ना, यहां पर हम लिक्विड और सॉलिड है, यानी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, प्रेशर का यहां बात नहीं करेंगे, क्योंकि लिक्विड के ऊपर प्रेशर और सॉलिड के ऊपर प्रेशर नेग्लिजिबल होता है। तो याद रखना, लिख लेना पांचवा पॉइंट, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी उसका अल्फा डिक्रीज होता है, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से लेक्चर लेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, ओस्वाल्ड डाइल्यूट लॉ। अब ओस्वाल्ड डाइल्यूट लॉ के ऊपर चार पांच न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं, और उसके ऊपर ध्यान रखना। एक पॉइंट और भी लिख लेना कि अगर तुम कल लिखे थे HA पानी में ब्रेक हुआ H+ और A- में, तो तुम कल Ka लिखे थे कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ A-। तो याद रखना H+ जितना ज्यादा होगा उतना ही Ka ज्यादा होगा, और H+ का ज्यादा होना ये बात को इंडिकेट करता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि तुम जब एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि तुम जब अवस्थी बनाओगे तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं दे रहा हूं क्या क्वेश्चन है, NaCl विल डिजॉल्व, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें, अगर कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉमन है तभी इफेक्ट पड़ेगा, कॉमन अगर नहीं है तो नो इफेक्ट। ये लिख लेना, अगर HA ज्यादा है तो KA ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसी तरह OH अगर ज्यादा है तो KB ज्यादा होगा, और KB ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, दोनों पॉइंट को लिख लेना क्योंकि अवस्थी में क्वेश्चन है भी। चलो अब यहां से स्टार्ट करता हूं मैं न्यूमेरिकल, तब आएंगे हम आयनिक प्रोडक्ट पे, फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो हम यहां न्यूमेरिकल ओस्वाल्ड डाइल्यूट लॉ के ऊपर करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम फिर पढ़ेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, देन पीएच पे आएंगे। चलो तो स्टार्ट किया जाए न्यूमेरिकल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, इसका मतलब मैं तुम्हें इस बात को इंडिकेट करने के लिए दे रहा हूं कि तुम समझ पाओ कि के का वैल्यू होता कितना है। एच एफ का वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁴, एस सी एन का वैल्यू है 4.9 × 10⁻⁶, और सी एस थ्री सी ओ एच का वैल्यू है 1.7 × 10⁻⁵, और HNO2 का वैल्यू है 4.2
फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव, ठीक है, ये वैल्यू है के ए का। तो मुझे बताओ इसको अरेंज करो, ये मान लो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है, तो इसको डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसीडी के स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसीडी के स्ट्रेंथ में इसको बताना है, जल्दी से बताओ। एक आंसर आया संचित का, विशाल कोहली, संस्कृति, बाकी सब सुस्त पड़ गए हो क्या? क्या खाना खा के सो रहे हो? मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ध्यान देना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू है के एक का, वो किसका है? सबसे ज्यादा वैल्यू इसका है, फर्स्ट का, ए माइनस फोर है ना, तो के ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा वैल्यू इसका है, देखो माइनस फोर है, तो फर्स्ट है। उसके बाद ये है, दोनों दोनों में से ये ज्यादा है, क्योंकि ये वन, सॉरी ये ज्यादा है, 1.4.5 है, वन के बाद फोर, फोर के बाद थ्री, थ्री के बाद टू, 1.432 बहुत जाने का आंसर आया भी है, ठीक है। तो ये बस तुम्हें बस इस चीज को दिया मैंने, तुम्हें जान पाओ कि इस तरह का क्वेश्चन एक दो अवस्थी में दिया भी है, देखोगे तो मिलेगा भी। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन लिखो, दी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, दी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ CH3COH इज 1.8 × 10⁻⁵ एट 298 केल्विन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड H3O प्लस कंसंट्रेशन ऑफ इट्स इन इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो जल्दी से बनाओ, (1.3×10⁻²) सही है, इसका आंसर है संचित का, प्रगति नायक, सही है संचित का भी सही। H3O प्लस का कंसंट्रेशन बताओ, देखो कैसे बनाएंगे, हमारा सॉल्यूशन कौन सा है CH3C डबल बॉन्ड OH,
मैं इसको स्टार्टिंग से बना दे रहा हूँ, कोई शॉर्टकट से नहीं बना रहा हूँ। CH3COO- और H+, ठीक है। और ये T इक्वल टू जीरो पर कितना है, 0.1, यानी कंसंट्रेशन है ये C है और ये जीरो जीरो है। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर C-C α, अगर ये एक टूटता है तो ये एक बनता है तो ये 0.1 α, और ये एक टूटता है तो एक बनता है तो 0.1 α। अगर हम यहां से के लिखे, क्या लिखेंगे, 0.1 α इंटू 0.1 α, और यहां हम लिखेंगे 0.1 - 0.1 α। अगर मैं इसमें से 0.1 कॉमन निकाल लू तो 0.1 α इंटू 0.1 α अपॉन 0.1 अगर कॉमन निकाल लू तो 1 - α। हम ये मान के चलते हैं कि अल्फा बहुत कम है, इसे कैंसिल हो गया। तो एक चीज डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम, क्या KA = C α² तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाया। तो तुम यहां पर 0.1 और यहां α², तुम ये चीजें इसको नेगलेक्ट कर दो, ये क्या बन गया 0.1 α², यही बना ना। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख दो इसको, मैं एक बार करके बताया, नहीं तो तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख दो। K का वैल्यू कितना दिया है, 1.8 × 10⁻⁵, इसको सोल्व कर दो तो α² = क्या हो जाएगा, √1.8 × 10⁻⁴ अपॉन 0.1। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, क्या बच गया, √1.8 × 10⁻⁵। इसका अंडर रूट निकालोगे 1.3 × 10⁻², आएगा कैसे आएगा, अब हमें बोला है कि H3O+ का कंसंट्रेशन बताओ। H3O+ का मतलब क्या होता है, H+, क्यों, या तो हमने H+ लिखा है। एक्चुअली होता क्या है, पानी के अंदर ये H+ जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये पानी के अंदर ये H+ वाटर के साथ जाके, क्योंकि वाटर का एफिनिटी ज्यादा होता है, और ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो तुम H+ अगर कहीं बोला गया या H3O+ बोला गया तो एक ही समझना, क्योंकि पानी में एग्जिस्ट ये नहीं करता है, पानी के साथ ये रिएक्शन करके ये एग्जिस्ट करता है। तो ये भी पूछा जाएगा तो यही है, और ये है तो ये है, एक ही मतलब होता है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, H+ का C α, तो C α अगर निकालना है तो इसका कंसंट्रेशन हो गया C 0.1 है, और अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 1.3 × 10⁻², ये हो जाएगा 0.13, या इसको इधर लेके चले जाओ, C α इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.13 लिख दो, 10⁻², जैसा ऑप्शन होगा ऐसा हम कर लेंगे। डेसिमल में आएगा तो करना पड़ेगा ना, इसको अप्रोक्स लेके करो, डेसिमल हटा दो यहां से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इतना कुछ नहीं करना था, तुम इतना से स्टार्ट कर सकते थे, K = C α²
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। संचित का सही है, 2 to the power 25। हाँ मिक्का का भी सही है, 2.5। इसका आंसर आ रहा है 2.63 × 10⁻¹⁵। चलो बता दूं, अब डायरेक्ट बनाता हूं मैं, ठीक है। के इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी अल्फा स्क्वायर। सी कितना है, अल्फा, अल्फा कितना है 5/100। इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया था मैंने, और एग्जैक्ट आंसर अगर लाना है तुम्हें तो के ए इक्वल टू लिखना पड़ेगा सी अल्फा स्क्वायर 1 - α। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट करना है, तो नहीं तो अल्फा को नेगलेक्ट मारते हो, तो ये करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर, इस पूरे चैप्टर में थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर आएगा, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम कुछ ये नेगलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इतना भी करीब नहीं होगा एग्जाम में। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
the concentration of H plus ions in 0.10 molar solution of weak acid is इस यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा अलग अलग कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट ज्यादा क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था कि थोड़ा अलग अलग कंसेप्ट मिल जाए। कैलकुलेट दी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तुम बनाओ, मैं 2 मिनट में आया पानी पी के। ओके, तो इसका आंसर आएगा, कौन सा क्वेश्चन है ये, द कंसंट्रेशन ऑफ इतना, इसका आंसर दिया है के निकालना है ना, 1×10⁻¹ दिया है। कोई डाउट है तो बोलना, अदरवाइज एक ही टाइप का कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन भर का ये, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, क्योंकि अपने पास 20 मिनट टाइम है। इसके बाद हम हाइड्रोलाइज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर स्टार्ट करेंगे, तो इसमें नहीं लग रहा है कि बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है, तो बस 2-3 और क्वेश्चन करवा लेता हूं, फिर आगे हम बढ़ेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में, तब पीएच में एंट्री मारेंगे। लिखो क्वेश्चन, व्हाट विल बी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, व्हाट विल बी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, व्हाट विल बी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ 0.1 नॉर्मल एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा के टर्म बताना, व्हाट विल बी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। ऐसा करो, तुम सेल्फ स्टडी करो थोड़ा पढ़ाने का।